हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये रेक्टेंगुलर शेप टेबल मैट कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। इस टेबल मैट को हम डोर मैट या पूजा आसन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 4-ply में पिंक, ग्रीन, ब्लू और येलो कलर की वुल ली है। हम इसे सिंगल कलर या डबल कलर में भी बना सकते हैं, या फिर हमारे पास यदि बची हुई वुल है तो हम उससे भी इस टेबल मैट को बना सकते हैं। क्रोशे का 3.50 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। हम इस पैटर्न से इस मैट को छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पिंक धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। इस रेक्टेंगुलर टेबल मैट के लिए हमें 4 के मल्टीपल्स + 4 इस हिसाब से चेन लेनी है। यहाँ पर मैं 4 के मल्टीपल्स में 20 + 4 यानी कि टोटल 24 चेन बनाऊंगी। मैंने 24 चेन बना ली हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हुक से चौथी चेन में दूसरा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये पहले 3 चेन मिलाकर पहला डबल क्रोशे स्टिच बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसी चेन में तीसरा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से इसी चेन में 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब फिर से हम इसी चेन में 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारा रेक्टेंगल का शेप आ गया है। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और नीचे की 3 चेन छोड़ देंगे, और ये जो चौथी चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे और अगली 3 चेन छोड़ देंगे, और जो चौथी चेन है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर से एक चेन, नीचे की 3 चेन छोड़ देंगे और चौथी चेन में फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिच। ये हमारा फर्स्ट राउंड बन रहा है। ये इस तरह से अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर से अगली 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये 1, 2 और ये 3। अब फिर से एक चेन, और यहाँ पर अब हमारे पास ये 4 चेन बच गई हैं। तो हम 3 चेन छोड़कर जो सबसे लास्ट की चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इस लास्ट की चेन में हमें दोनों कॉर्नर्स बनाने हैं, हमें रेक्टेंगल का शेप देना है। तो अब ये 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम इसी चेन में फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। जैसा हमने फर्स्ट चेन में बनाया है वैसे ही हम इस लास्ट चेन में रेक्टेंगल शेप देने के लिए डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर्स बन जाएंगे।
और ये दो कॉर्नर्स हमने शुरुआत में बनाए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये जो हमने इसके बाद ये जो हमने तीन डबल क्रोशे बनाए हैं तो ये जो चेन है इसी में हम फिर से तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब एक चेन, फिर से अगली ये जो चेन है इसमें तीन डबल क्रोशे स्टिच। ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है। अब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूंगी। और ये तीन, अब इसके बाद एक चेन और ये जो अगली चेन है इसमें तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। एक, दो और ये तीन। अब यहाँ सबसे लास्ट में एक चेन बनाने के बाद हम ये जो पहला डबल क्रोशे स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए इस एक की चेन को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा रेक्टेंगल का शेप आ गया है। अब इसके बाद हम अगली तीन स्टिचेस तक स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हम इस पैटर्न को हमेशा एक चेन की स्पेस में ही बनाते हैं। और यहाँ पर हम सेकेंड राउंड के लिए भी पिंक धागा ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम इस कॉर्नर में तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और फिर से इसी दो चेन की स्पेस में हम तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सेकेंड राउंड का हमारा पहला कॉर्नर बन गया है। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और ये जो दूसरा कॉर्नर है इसमें हम तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम धागे के हिसाब से कॉर्नर की जो तीन चेन है इसकी जगह दो चेन भी बना सकते हैं। कॉर्नर का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो ये दोनों कॉर्नर्स बन गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये जो दो डबल क्रोशे के क्लस्टर के बीच की एक चेन है इसमें हम तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे। अब फिर से अगली एक चेन की ये जो स्पेस है इसमें तीन डबल क्रोशे, एक चेन। इस तरह से ये हमने सेकेंड राउंड में एक साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर ये जो तीसरा कॉर्नर है इसमें हम तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस रेक्टेंगुलर टेबल मैट का यही पैटर्न है, हमें इसी को रिपीट करना है। और हम इस पैटर्न से जितना भी टेबल मैट बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। ये इस तरह से अब एक चेन, अगले कॉर्नर में तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे। कॉर्नर्स के लिए हम तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे बनाते हैं और बीच में हम तीन डबल क्रोशे, एक चेन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें ये तीन डबल क्रोशे, अब एक चेन, अब ये जो अगली एक चेन की स्पेस है इसमें तीन डबल क्रोशे। हम ग्रैनी स्क्वायर टेबल मैट बना रहे हैं, इसीलिए हम तीन तीन डबल क्रोशे के क्लस्टर्स बना रहे हैं। ये इस तरह से अब यहाँ पर सबसे लास्ट में ये जो सेकेंड राउंड है इसमें हम ये एक चेन बनाएंगे और ये जो पहली ये जो स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से तीन बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हम पिंक धागे से तीन राउंड्स बना रहे हैं। यदि यहाँ पर हमें कलर चेंज करना है तो हम किसी भी एक चेन की स्पेस में या तीन चेन की स्पेस में नए कलर को जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसी पैटर्न से इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए हम सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे
और इसी तीन चेन की स्पेस में दो और डबल क्रोशे, फिर से तीन चेन और फिर से इसी स्पेस में तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये एक, दो और ये तीन। अब इसके बाद एक चेन और ये जो अगली एक चेन की स्पेस है इसमें तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम हर राउंड में कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से ये जो अगला कॉर्नर है इसमें तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से। अब इसके बाद एक चेन, अगली स्पेस में तीन डबल क्रोशे और इसी पैटर्न को हमें इस पूरे थर्ड राउंड में कंटिन्यू करना है। अब एक चेन, फिर से अगली स्पेस में तीन डबल क्रोशे, फिर एक चेन, तीन डबल क्रोशे। इस तरह से हम इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैंने इस थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर सबसे लास्ट में ये तीन डबल क्रोशे और एक चेन बनाने के बाद हम ये जो हमने सबसे पहली तीन चेन बनाई हैं तो पहली स्टिच और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हमें धागा बदलना है तो यहाँ पर हम पिंक धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें ग्रीन धागा ज्वाइन करना है तो हम या तो ग्रीन धागे को इस एक चेन की स्पेस में या तीन चेन की स्पेस में, किसी भी एक स्पेस में हम ग्रीन धागे को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चेन की स्पेस में इस ग्रीन धागे को जोड़ रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस ग्रीन धागे से तीन चेन बनाएंगे पहले डबल क्रोशे के लिए। अब हम इसी एक चेन की स्पेस में दो और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम इन धागों को भी क्रोशे करते हुए साथ में ले लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और कॉर्नर में तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। पैटर्न वही है, हमने सिर्फ धागा चेंज किया है। अब तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक, दो और ये तीन इस तरह से। अब फिर से हम अब यहां पर ये जो ग्रीन और पिंक धागा है इसे हम थोड़ा सा काट लेंगे और फिर से हम एक चेन बनाकर ये जो अगली एक चेन की स्पेस है इसमें तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद एक चेन, फिर से एक चेन की स्पेस में तीन डबल क्रोशे स्टिच, फिर से एक चेन और ये जो दूसरा कॉर्नर है इसमें तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये दो और ये तीन। अब हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है। यहाँ एक चेन, अगली एक चेन की स्पेस में तीन डबल क्रोशे और इस तरह से हमें इस ग्रीन धागे से टोटल चार राउंड्स बनाने हैं। हमने पिंक धागे से तीन राउंड्स बनाए हैं तो हम ग्रीन धागे से अब चार राउंड्स बनाएंगे। यहाँ पर ये जो मैंने सैंपल बनाया है इसमें टोटल ये तीन राउंड्स पिंक धागे से और इसके बाद हम चार राउंड्स ग्रीन धागे से कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने इस टेबल मैट में बनाए हैं, तीन राउंड्स पिंक से, चार राउंड्स ग्रीन से, फिर इसके बाद मैंने
5 राउंड्स ब्लू से बनाए हैं और 6 राउंड्स मैंने येलो धागे से बनाए हैं। तो इस तरह से हर कलर का एक एक राउंड बढ़ाने से ये जो टेबल मैट की जो यूनिफॉर्मिटी है कलर्स की, ये एकदम अच्छे से बन के आती है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सैम्पल पीस बनाकर बताऊंगी। तो अब मैं इस सैम्पल पीस में 4 राउंड्स ग्रीन धागे से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हम इस पिंक धागे से बॉर्डर बनाएंगे। इस सैम्पल पीस में ग्रीन धागे से फर्स्ट राउंड में हम सबसे लास्ट में ये एक चेन बनाने के बाद ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके बाद के राउंड्स को ग्रीन धागे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए हम 3 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। यदि हमें धागा चेंज करना है तो हम एक चेन या 3 चेन की स्पेस में किसी में भी धागे को जोड़ सकते हैं। अब फिर से हम इस ग्रीन धागे के सेकेंड राउंड में कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये दूसरा डबल क्रोशे स्टिच और ये तीसरा डबल क्रोशे स्टिच। अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे और इस तरह से हम ग्रीन धागे से 4 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस टेबल मैट में मैंने पिंक धागे से इस बॉर्डर को बनाया है क्योंकि हमने पिंक धागे से ही शुरुआत की थी और ये जो बॉर्डर है ये बहुत सुंदर दिखती है। तो चलिए अब हम इस सैम्पल पीस में बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। मैंने 4 राउंड्स ग्रीन धागे से बना लिए हैं और किसी भी एक या 3 चेन की स्पेस में हम ये जो पिंक धागा है इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने अब बॉर्डर बनाने के लिए पिंक धागे को भी ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले हम ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें इस पिंक धागे से एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब हम इसी एक चेन की स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। हम बॉर्डर भी क्लस्टर में ही बनाएंगे, ये इस तरह से। अब हम ये जो अगली स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे से इस 4 डबल क्रोशे को ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। अब इसके बाद हम फिर से इन 4 डबल क्रोशे स्टिच को ये जो अगली 3 चेन की स्पेस है कॉर्नर की इसमें हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर के लिए सबसे पहले टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। कॉर्नर हम थोड़ा अलग बनाएंगे, तो ये मैंने 4 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा डबल क्रोशे स्टिच, ये इस तरह से। अब हम ये जो अगली स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे से इस 4 डबल क्रोशे को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। सिर्फ कॉर्नर में थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इसी पैटर्न को हम इस पूरे टेबल मैट में रिपीट करेंगे। अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे और कॉर्नर्स में हम 4 डबल क्रोशे, 3 चेन और 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर ये मैंने इस पूरे सैम्पल पीस को कंप्लीट कर लिया है। सबसे लास्ट में ये 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम ये जो सबसे पहली स्टिच है, तो यहाँ पर जैसा इस वीडियो में आप देख पा रही हैं, हम स्लिप स्टिच से डबल क्रोशे स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे। धागे को काटकर अब हम एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। ये हमारी बॉर्डर बनके तैयार हो गई है।
और ये हमारा सैंपल पीस भी बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने इस टेबल मैट में चार कलर्स का यूज़ किया है। सबसे पहले ये जो पिंक धागा है इससे मैंने तीन राउंड्स बनाए हैं, फिर ग्रीन से चार राउंड्स, ब्लू से पाँच और येलो से छः राउंड्स बनाए हैं। हम अपनी पसंद से मिक्स एंड मैच करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इस रेक्टेंगुलर टेबल मैट को बना सकते हैं। हमारी कलरफुल रेक्टेंगुलर टेबल मैट तैयार है और ये बहुत सुंदर दिख रही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही मैं नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।